नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। खबर मधुबनी जिले के मधवापुर से आ रही है। प्रगतिशील विद्युत कर्मी संयुक्त संघर्ष मोर्चा बिहार पटना संचालन परिषद के आह्वान पर प्रखंड के मानव बलों ने 11 सूत्री मांगों के समर्थन में गुरुवार को साहरगार्ड स्थित प्रखंड विद्युत उपकेंद्र पर प्रदर्शन किया। इस क्रम में कर्मियों ने सरकार की धर्मात्मक नीति एवं न्यायालय के फैसले की अनदेखी करने पर जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनकी प्रमुख मांगों में समान काम के बदले समान वेतन देने, कार्यस्थल पर सुरक्षा के समुचित उपकरण उपलब्ध कराने, कार्य के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं पर मानव बलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, रिक्त पद के विरुद्ध नियोजित कर्मियों की स्थायी नियुक्ति करने, सभी सुविधाएं प्रदान करने, न्यायालय के फैसले को लागू करने आदि है। महेश प्रसाद के नेतृत्व में जारी आंदोलन में इंद्रेश कुमार पासवान, दिलीप राम, मोहम्मद इरफान, सुजीत कुमार, महेंद्र राम, आलोक साहू, रंजन कुमार शामिल थे। बाद में कर्मियों ने मांगों से संबंधित ज्ञापन जेई राजेश कुमार को सौंपे। मधुबापुर से मनोज सिंह की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।